प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर से एक बार मैं आपको मेरे जीवन की सच्चाई सामने लाकर प्रेजेंटेशन के रूप में, ये वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। टॉपिक ये है, विश आई हैड नोन दिस थ्री थिंग्स इन माई अर्ली डेज ऑफ ट्रेडिंग। काश मुझे ये तीन चीजें मेरे ट्रेडिंग के जब शुरुआती दिन थे तब पता चली होती। ये तीन चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो हम लोग बोलते हैं ना, फियर, ग्रीड, पूरा ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जगत फियर और ग्रीड के बीच में ही खेल रहा है। जो भी खेल है वो फियर और ग्रीड, मतलब लालच और डर, इसके बीच में ही खेल रहा है। ये हम लोग बोलते तो है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि चलो आज से मेरे को डर नहीं लगेगा, कि आज से मैं कोई लालच नहीं करूंगा, एक सामने बोर्ड मार दूंगा अपने स्क्रीन के कि लालच बुरी बला है। ऐसा अगर करने से अगर हो जाता तो सभी ट्रेडर हो जाते। जो 95% फेलियर है ट्रेडर ट्रेडिंग जगत में, वो कभी होता ही नहीं। बट ऐसा नहीं है, कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, और जब वो चीज समझ में आएगी कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब हमको वो मान लेना पड़ेगा कि ये सच्चाई है। और ये सच्चाई अगर जब हम मान लेंगे तब ऑटोमेटिकली ये लालच और ये डर जो है वो गायब हो जाएगा। तो शुरू करते कि किससे शुरू करते हम लोग, पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है हमारा, पूरा ही कलर हो जाता है, ठीक है चलो। तो पहला पॉइंट है हमारा, ट्रेडिंग इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नॉट सर्टेनिटी, ठीक है। इसका इसका मीनिंग ये है कि ट्रेडिंग जो है उसमें हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, उसके तीन आउटकम हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट, या तो लॉस, या तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ये तीन 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 ही चीज हो सकती है, चौथी कोई चीज हो नहीं सकती है, ठीक है। तो हमें ये नहीं मानना है कि जब भी मैं लूंगा तो सर्टनली प्रॉफिट ही होगा, मतलब डेफिनेटली कुछ भी हो जाए मुझे प्रॉफिट ही होगा, या मैं कुछ भी कर लूँ मेरा ट्रेड मुझे मुनाफा ही देगा, ये सोचना गलत होगा। क्योंकि मार्केट जो है बड़ी बड़ा प्लेस है, वहां पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्रेडर्स लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स है, कुछ गवर्नमेंट्स है, कुछ बैंक्स है, ये सबके ट्रेजरी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप कर रहे हो, आपके जैसे रिटेलर्स बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सबका मिला हुआ जो सेंटिमेंट्स है, जो बाई सेल का, जो उनका देखने का नजरिया है मार्केट के तरफ, या जो लेवल पर प्राइस है उसके तरफ जो उनका क्या बोलते हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पर बाय बन रहा है या सेल बन रहा है, किसी को लगता होगा वो बाय है, किसी को लगता होगा वो लेवल पे सेल है। तो ये सब चीजें जब मिक्स होती है तो सर्टन कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू मिला के फिर कुछ एक मूवमेंट आ रहा है मार्केट में, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ बाय, कोई दूसरा कर रहा है सेल, सेम लेवल पे मुझे बुलिश फील हो रहा है, उसको एकदम बेरिश फील हो रहा है। तो ये सब चीजें ऐसा कर देती है माहौल को ट्रेडिंग में कि कुछ भी सर्टन नहीं है, जो भी है वो प्रोबेबिलिटी है। ये तीन रिजल्ट पॉसिबल है, मुनाफा नुकसान या ना मुनाफा ना नुकसान, नील बटा नील, ठीक है। ये तीन पॉसिबिलिटी है। अब उसमें क्या है कि हमको ट्रेड लेते वक्त हमको ये याद रखना है कि हमको सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पे ही ट्रेड लेना है। जब हम लोग नए होते हैं हम लोग को वो एक थ्रिल रहता है अपने अंदर, एक एनर्जी रहती है कि मुझे ट्रेड में एंट्री लेनी है। ना एग्जिट का पता होता है, ना स्टॉप लॉस का पता होता है, ना टारगेट का पता होता है। हम लोग नए हैं तो हमको क्या है कि हाँ मैं ट्रेड ले रहा हूँ, बस ट्रेड ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, ट्रेड ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, बट वो इनाफ नहीं है। फिर ट्रेड का जब आउटकम होता है, लॉस होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि यार मैं जब भी मैं कुछ ट्रेड लेता हूँ तो वो ट्रेड उल्टा चलता है और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। स्टॉप लॉस हिट होना बुरी बात नहीं है, बट जो गलती दोहराई है, जो गलती की है,
मतलब या तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस रख लिया था, या तो रेजिस्टेंस ही ऊपर था और वहीं पे हम लोग ने लॉन्ग कर दिया, या कहीं सपोर्ट पे रुका था और हम लोग ने वहां पे शॉर्ट कर दिया। ये अगर आपको ट्रेड खत्म होने के बाद भी आपने एनालिसिस किया और पता चला कि ऐसा सब गलती हम कर रहे थे इसलिए हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये गलती को वापस दोहराना वो गुनाह है। गलती करना प्रॉब्लम नहीं है, गलती को बार बार सही सेम गलती मतलब वही गलती को बार बार दोहराना वो हमारा पाप है, उससे हमको बचना है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग है कि ट्रेडिंग इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नॉट सर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी इसलिए हम लोग कहते हैं कि 10 में से भी अगर 10 में से 10 तो ट्रेड सच नहीं जाएंगे आपके, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग एक ह्यूमन ब्रेन है, वो बायस हो ही जाता है और हमारा बायस आपको कभी ना कभी गलती करने पर मजबूर कर देगा। ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही चलता है। बस हमको ये देखना है कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे ही ट्रेड लेना है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप शायद 70-30 हो, 10 में से 7 ट्रेड आपके सही जाते हो, 3 ट्रेड गलत जाते हो। कभी कभी कोई अच्छा ट्रेडर रहता है तो उसके 8-8 ट्रेड भी अच्छे जाते हैं, 2 खराब जाते हैं। कोई एवरेज रहता है तो उसके 50-50 जाते हैं। अभी आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो पॉइंट नंबर 2 है। जो सेकेंड पॉइंट है, जो अगर मैं पहले समझ गया होता तो बहुत अच्छा होता। ऑलवेज टेक ट्रेड विच हैज मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अभी क्या होता है कि समझो आपका 50-50% हो गया है, 50% आपके ट्रेड सही जाते हैं, 50% गलत जाते हैं, चलेगा। आपका रिस्क क्या है, आप रिस्क करते हो 100 रुपया हमेशा और आपका प्रॉफिट होता है 200 रुपया। तो 5 ट्रेड अगर आपके गलत गए तो आपको नुकसान हुआ है 500 रुपया वहां पे, और 5 ट्रेड आपके सही गए हैं तो आपको वहां पर नुकसान हुआ है 200 रुपया पर ट्रेड इंटू 1000। तो 1000 रुपीज प्रॉफिट हुआ माइनस 500 रुपया जो आपको लॉस वाले ट्रेड हुए, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, फिर भी नेट आपके पास 500 रुपया बच गया है। मेरा कहने का मीनिंग ये है, अभी अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो 1:2 से नीचे अगर जाता है तो फिर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गोइंग राइट थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। बट मेरा अगर एक्सपीरियंस अगर आप मानेंगे तो 1:2 के नीचे काम करने में कोई मजा ही नहीं है, कम से कम 1:2 तो चाहिए ही चाहिए। 1:2 अगर आपका बनता है आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होगा, फिर आप चाहे तो ट्रेलिंग के नए तरीके ढूंढ के 1:2 को 1:2.25, 1:2, 2.2, 1:2.5 तक आप लेके जाने की कोशिश कर सकते हो, बट ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा, जल्दी नहीं आएगा, एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। ठीक है, पहले पहले जब शुरुआती दिन होते हैं आपके ट्रेडिंग के और आप कोई स्ट्रेटेजी टेस्ट कर रहे हो, आपको पता है, आपने एनालिसिस किया उसका, उसका बैक टेस्टिंग पूरा चार्ट मैन्युअली जाके सब चेक किया और आपने ये अंदाजा लगा दिया है कि ये जो है मेरा स्ट्रेटेजी वो बहुत बढ़िया है और मुझे वो 1:2 का रिटर्न दे रहा है, बट जस्ट क्योंकि आप अभी तक नए हो और आप चाहते हो कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े, तो आपको मैं मतलब ये कहूंगा कि आप 1:1, 1:1.5 तक भी अगर एग्जिट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये आपका शुरुआती दिन है। बट हमको ये चीज आदत नहीं बनानी है, 1:1.5 तक भी चलेगा पर बाद में समझो 1-1.5 महीने के बाद जब आपने अच्छा खासा बहुत सारा ट्रेड्स ले लिया है और उस स्ट्रेटेजी पे काम करके आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है, तो आपको 1:2 के नीचे काम नहीं करना है, 1:2 के ऊपर ही काम करना है। आपका ट्रेडिंग का जो ट्रेड रिपोर्ट्स होगा ना, जब आप देखोगे 1:2 के हिसाब से अगर आपने ट्रेड्स लिए हैं, आपको एक अलग ही खुशी मिलेगी, आपको एक अपना कॉन्फिडेंस लेवल को एक एक बढ़ावा बढ़ा हुआ देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन गए हो, एक प्रो ट्रेडर की तरफ आप बनने की तरफ आप चल दिए हो। तो हमेशा ट्रेडिंग इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नॉट सर्टेनिटी। दूसरा है ऑलवेज टेक ट्रेड विच हैज मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तीसरा जो बात है जो मेरे समझ में
काफी लेट आया था, बट अच्छा आया था। मैं पहले कैंडलस्टिक्स को देख के ट्रेड लेता था, बट मुझे मुझे बाद में पता चला कि बहुत सारा टाइम फ्रेम्स है, मल्टी टाइम फ्रेम्स है, मल्टी टाइम फ्रेम में बहुत सारी चीजें हो रही है। जो मुझे यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल दिख रहा है, वो किसी को ट्रेंडिंग कैंडल दिख रहा होगा दूसरे टाइम फ्रेम में। आवरली में कुछ अलग, मंथली में कुछ अलग, वीकली में कुछ अलग, डेली में कुछ अलग, 15 मिनट में अलग, 5 मिनट में अलग। तब जाके मुझे ये समझ में आया कि हमें पैटर्न्स को ट्रेड करना है, ना कि कैंडलस्टिक्स को। तो जो पैटर्न्स है ना, उसको हमें ट्रेड करना है। जो एक 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 बायर्स और सेलर्स जो वहां पर बन रहे हैं, जो बाइंग इंटरेस्ट या सेलिंग इंटरेस्ट हमको वहां पे दिखने लगता है, कैसे दिखेगा? एक कंसोलिडेशन देखेंगे हम, एक एक्यूमुलेशन टाइप देखेंगे कुछ, या डिस्ट्रीब्यूशन टाइप देखेंगे कुछ। तो देखेंगे कि वहां पर एक ही जगह पे रेजिस्टेंस हो रहा है और वहां पे बाइंग हो रहा है, वो रेजिस्टेंस के जोन पे, तो शायद ब्रेकआउट आएगा। तो वो पैटर्न को हमें ट्रेड करना है, ना कि कैंडलस्टिक्स को। कैंडलस्टिक्स आपको फंसाएंगे, एक 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 कैंडलस्टिक पे आपको क्या अंदाजा आ जाएगा? अगर 5 मिनट की कैंडलस्टिक है, मारुबुजु कैंडल बना है, जो पूरा बॉडी कैंडल बना है, ठीक है, वो ऊपर चला गया और आपने फोमो में, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट में, आपने वहां पे ट्रेड ले लिया और फिर वो पूरा नीचे आ गया, पूरा रिट्रेस हो गया, तो इसका आपको नुकसान का ही सामना करना पड़ा। तो मेरा कहना का मीनिंग ये है कि एक 5 मिनट 15 मिनट के कैंडल से अगर आप अंदाजा ले रहे हो कि बस हो गया, ये सब सही है, तो वो गलत है। धीरे धीरे आपको फिर ये समझ में आएगा कि पैटर्न्स को ट्रेड करना है, ना कि कैंडलस्टिक्स को। तो ये तीन चीजें थी जो जिसने मेरे ट्रेडिंग के पूरे कुछ किस शक्ल को ही बदल दिया। और मैं बार बार वही दोहराऊंगा, आपसे भी विनती करूंगा कि ये तीन चीजों को आपके चाहिए तो टेबल के, आप जहाँ पे ट्रेडिंग स्क्रीन है उसके ऊपर एक यहाँ वहां पे एक क्या बोलते हैं, पोस्टिट लगा दीजिए, एक स्टिकर लगा दीजिए, चिपका लीजिए, और कहीं, या तो कहीं पे कहीं एक पेपर में लिख के रख दीजिए, ट्रेडिंग इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नॉट सर्टनटी, ऑलवेज टेक ट्रेड्स विच हैज मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ट्रेड पैटर्न्स एंड नॉट कैंडलस्टिक्स। अगर आप ये रोज पढ़ेंगे भी ना, तो आप देखेंगे कि आपके बिहेवियर में चेंज आ गया है। आप ये पढ़ रहे हो इसलिए आपको पता चलेगा, अगर यार 1:2 तो है नहीं तो मैं ये ट्रेड क्यों लू, आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको जो लालच की बात बता रहा था, जब आप 1:2 का ट्रेड लेंगे, तो आपका अगर 1:2 का टारगेट आ गया है, तो आपका स्टॉप लॉस 1:2 के उस पर रख देंगे कि भाई 2 तक तो मुझे चाहिए चाहिए। आप लालच नहीं करेंगे कि मुझे 3 चाहिए 4 चाहिए, वो नहीं होगा। और आपका रिस्क 1 है तो आपको डर नहीं लगेगा, आपका रिस्क 1 है तो आपको डर नहीं लगेगा ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि आप सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे ही ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, आप कैंडलस्टिक्स पे नहीं ले रहे हो, आप पैटर्न के ऊपर ट्रेड ले रहे हो। तो ये सब चीजें आपका डर हटा देगी, और 1:2 जो है वो आपका लालच को कंट्रोल करेगी। धीरे धीरे आपका एनालिसिस होगा, आपका ऑब्जर्वेशन आपको अलाउ करेगा ट्रेलिंग करने के लिए, और आप फिर 1:2.5 1:3 भी ट्रेड कर पाएंगे, और कभी कभी मार्केट मेहरबान हो गया तो आप 1:4.5 भी मिल जाएगा। बट वो सब बहुत रेयर डेज होते हैं, हर बार नहीं होता है। मार्केट 70% रेंज बाउंड होता है, तो वो सब ध्यान रखते हुए आप ये तीन चीजों पे फोकस करोगे जैसे मैंने किया, तो आप देखेंगे कि आपके पूरे ट्रेडिंग करियर या ट्रेडिंग का जो ट्रेड बुक है, P&L है, उसका पूरा एक रूपांतर हो जाएगा, पूरा का पूरा ट्रांसलेट हो जाएगा एक अलग ही टोन में, रेड से ग्रीन में आ जाएगा। और एक चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि हमें इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना है ट्रेडिंग में, हमें इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना है, ना कि परफेक्शन। परफेक्शन का क्या मीनिंग हो जाएगा? आप परफेक्शन की जब बात करते हो तो आप सोचेंगे कि 100% मेरा ट्रेड राइट होना चाहिए, वैसा कभी होने वाला नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट रादर देन परफेक्शन। ठीक है, ये पॉइंट आपको बहुत ही ज्यादा समझ में आना चाहिए कि वर्क, मैं यहां पर टाइप कर देता हूं, वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट, वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट।
क्योंकि आप कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकते हो. देर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. हमेशा आप कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहोगे. इतना चेंजिंग, इतना डायनेमिक है अपना मार्केट कि कुछ ना कुछ नया चेंजेस आते ही रहता है. तो आपको इम्प्रूव होना है. जो आप हो वर्जन आज, उसके बेहतर वर्जन होने चाहिए कल. ठीक है, परफेक्शन आप ये सोच लेंगे कि आप परफेक्ट हो गए तो जमाना बदल जाएगा और आप आउटडेट हो जाओगे. तो इसलिए वर्क टूवर्ड्स इम्प्रूविंग योर सेल्फ एंड नॉट टूवर्ड्स बींग परफेक्ट. ओके, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पर अंत करता हूँ. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा. और अगर ये तीन चीजें आपके ट्रेडिंग का जो P&L है उसका शक्ल बदलने में काम आता है, तो डेफिनेटली ये दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ये वीडियो. और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी लिखिए, तो मुझे पता चले कि आप लोगों को ऐसे वीडियो पसंद है तो मैं और वीडियोस ऐसे बनाऊंगा. ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.